तो जय श्री राम। अब हम सुनाने जा रहे हैं रामायण से सुंदर पाठ। ब्रह्म जो व्यापक विरज अजय अकल अनेय अवेद, सो की दे धरि होइ नर जाहि न जानत भेद। लखन सिया राम चंद शंकर हरियो। जो ब्रह्म सर्व व्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहते हैं, और जैसे जो ब्रह्म सर्व व्यापक और जो जिसे भेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वक जथात्र पुरारी, खोजय सोग के अगीव नारी, मान धाम श्रीपति सुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी को ही बात सर्वज्ञ में ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। शंभु गिरा पुनिम साना होई, सिर्फ सर्वज्ञ जान सब कोई, असंशय मन भय अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचनों को भी उनकी के वचन भी झूठे हो नहीं हो सकते। सबको ही जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में स्वीकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रकट न कहे भगवान हर अंतर जानी सब जाने, सुनई सती तब नारी स्वभाव संशय अश्नधरी और काऊ। यद्यपि भगवान जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्या में शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु में मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट दीव रघुवीरा, सेवत जाई सदा मुनि देरा। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल, मन जहि ध्या वहीं, कही नहीं ति निगम पुराण, आगम जासु कीरति गावहीं। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय, पति माया धनी अवतरे अपने भगत हित निज निज तंत्र नित्र कुल मुनि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते तथा वेद पुराण और शास्त्र नेत नेत कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों को के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मन रूप में उतार लिया है। लाभ नव रूप देव जदपि कहो शिव बार बहु, बोले भी ऐसी महेश हरि माया बलि बलि जान जिया। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनको उपदेश नहीं बैठा। तब महाजी के मन में भगवान की माया का पल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ।